अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास एंड इंग्लिश में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज आपकी जो न्यू अपडेट आई है वो लेके आए हैं, यानी आपकी आईटीआई एग्ज़ाम 2021 की डेट जारी हो चुकी है। और आपको मालूम है कल 17 तारीख को आपके जिन बच्चों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया था उनका रिजल्ट भी जारी हो चुका है। कुल मिला के आईटीआई के सभी छात्रों का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो आपका आईटीआई का रिजल्ट जारी हो चुका है, तो पहला आपका कन्फ्यूज ये था कि रिजल्ट कब आएगा, तो अब रिजल्ट भी जारी हो चुका है, साथ ही आईटीआई की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। तो अब काफ़ी बच्चों को डाउट है कि एग्ज़ाम सीबीटी होगी या ऑफलाइन होगी। तो और अभी बच्चों को ये भी है कि सेमेस्टर की एग्ज़ाम होगी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम, किन की एग्ज़ाम कब और किस प्रकार होगी। तो आज आपके सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना। तो दोस्तों क्योंकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती, वीडियो पूरा देखते नहीं, इस कारण आपको पता नहीं चलता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, दोस्तों का अधिक शेयर करना। क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आईटीआई की आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही आपके सीबीटी एग्जाम के जो पेपर होते हैं ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप के साइंस सभी के पेपर हम अभी एनालिसिस करा रहे हैं, रोज के दो दो पेपर, साथ ही ट्रेड थ्योरी का भी करा रहे हैं। इसी के अलावा हम बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपके बहुत से बच्चों की एग्जाम इंजीनियरिंग ड्राइंग की लगेगी। साथ ही जो 2020 और 2022 वाले बच्चे हैं या आप 19-21 के बच्चों बैच के बच्चे हो तो आपकी ड्राइंग की एग्जाम भी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करते हुए हम अभी से क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप अपना स्टडी अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम आपका कंफर्म हो चुका है। इस लेटर में हम दिखा देंगे आपको, मेरे साथ जो दिखाई भी दे रहा होगा विषय में देख लो। एनसीबीटी पूरक परीक्षा गत परीक्षा में परीक्षा से शेष रहे परीक्षार्थियों की परीक्षा जुलाई 2021 के अंतिम सप्ताह में कराए जाने के संबंध में यह आपका लेटर है, जो डीजीटी भारत सरकार ने यह पत्र जारी किया है। तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, तो ज़्यादा वक्त खराब ना करें, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, जिससे आपके सारे कन्फ्यूज क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों ये लेटर आपका 15/6/2021 को जारी हुआ था, ठीक है। दोस्तों आज 18 तारीख हो चुकी है। अब इसमें दे रखा है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त एनसीबीटी मान्यत प्राप्त विश्वविद्यालय। तो अब इसमें दे रखा है एनसीबीटी पूर्व परीक्षा गत परीक्षा में परीक्षा से शेष रहे परीक्षार्थियों की परीक्षा जुलाई 2021 के अंतिम सप्ताह में कराए जाने के संबंध में। अब इसमें ये बोल रहा है कि जिन बच्चों की पहले एग्जाम नहीं थी उन सभी की एग्जाम कराने के संबंध में। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन बच्चे पिछली परीक्षा में वंचित रह चुके थे, यानी उनकी एग्जाम नहीं लगी थी या उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया था, उनकी एग्जाम होगी। साथ ही जिन्होंने उनका अभी रिजल्ट आया है, अगर वहाँ पर उनका पेपर ड्यू रह चुका है तो उनका एग्जाम भी इनके साथ होगा। साथ ही सेमेस्टर प्रणाली के बच्चे उनका भी एग्जाम होगा, क्योंकि इसमें पूरी चीज़ें डिटेल से दे रखा है, यानी किस प्रकार क्या करना है। तो सारी चीज़ें क्लियर करते हैं और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें दे रखा है मोदी आगे देगा डीजीटी भारत सरकार नई दिल्ली के संदर्भ पत्र के अनुसार अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा के तहत एनसीईटी पूरक परीक्षा गत परीक्षा में शेष परीक्षार्थियों को परीक्षा जुलाई अंतिम 2021 के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है, प्रतिशत लग नहीं आया है। अब इसमें दे रखा है इस क्रम में आपके संस्था के समस्त फर्नीचर स्टूल टेबल और स्टूल इत्यादि की मरम्मत करवाकर उपयोग की स्थिति में रखें, ताकि प्रक्रिया सुगमता से संपन्न हो सके। अब दोस्तों इसमें फर्नीचर की बात क्यों कर रहा है, अब आगे देखो ज्ञात है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा हेतु ड्राइंग शीट की साइज होगी, क्योंकि आपको मालूम फर्नीचर भी आपके लगेगी, ड्राइंग शीट उसमें टेबल वगैरह चाहिए, तो हो गया तथा ड्राइंग शीट की साइज दे दी। अतः इंजीनियरिंग ड्राइंग परीक्षा हेतु ड्राइंग शीट का मान अनुसार आवश्यक साइज को के टेबल पर व्यवस्था आवश्यक रूप से सुनिश्चित करावे। प्रायोगिक परीक्षा हेतु सभी व्यवसायिक टूल इक्विपमेंट मशीनरी और एनसीबीटी मानदंड के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करें, यानी कुल मिला के आपका प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल 2019-21 बैच वाले बच्चों का जिनका फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल ड्यू रह गया उनका होगा, साथ ही वो सेकेंड डे में तो सेकेंड डे का प्रैक्टिकल लगेगा, साथ ही 2020-22 वाले बच्चे हैं तो वो 2021 में आ चुके हैं तो उनका भी प्रैक्टिकल होगा, तो प्रैक्टिकल ही होगा। आगे देखा सैद्धांतिक विषयों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, यानी आपकी जो ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप साइंस और इंप्लीमेंटेशन स्किल की परीक्षा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेसिक टेस्ट में होगी, हेतु पूर्व की बाती आवश्यक कंप्यूटर इंटरनेट पावर बैंक यूपीएससी इत्यादि की सुनिश्चित व्यवस्था सुनिश्चित कर लेवे। आगे दे रखा है दोस्तों आपको परीक्षा हेतु संस्था के पद स्थापित आचार्य अधीक्षक की सूचना का पत्र
पत्र आपको गूगल फॉर्म में संलग्न निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध कराया गया है। गूगल फॉर्मेट 2 दिवस की सूचना पूर्ण पर सबमिट करें। परीक्षा हेतु योग्य परीक्षार्थियों को भी इस संबंध में अवगत है। यानी कुल मिला के ये बोल रहे हैं ITI वालों को कि आप बच्चों को भी अवगत करा दो कि आपकी एग्जाम 2021 जुलाई में कन्फर्म होगी। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि स्टडी स्टार्ट कर दो, हम आपके लिए सारे पेपर अवेलेबल करा रहे हैं। साथ ही आपको इसके अलावा और पेपर चाहिए तो आप हमें ज़रूर बता देना, जिससे हम आपके किसी भी ट्रेनिंग को हम अवेलेबल करा देंगे। साथ ही मैं यही कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर शाम को एक न्यू क्लास के साथ मिलते हैं ट्रेड थ्योरी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।